जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित इस चुनावी सभा में सबसे पहले मैं हमारे झारखंड के शहीद भगवान बिरसा मुंडा जी, तिलका मांझी जी, सिद्धू कानू जी, फूलो झानो, चांद भैरव और साथ में हमारे वीर शहीद निर्मल महतो जी, सुधीर महतो जी और उन सभी क्रांतिकारी नेताओं को नमन करना चाहती हूँ। और आज हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े भैया की आज पुण्यतिथि है, उनको भी मैं हृदय की गहराइयों से नमन करती हूँ। मंच पर आसीन हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड चंपई चाचा जी, माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी, माननीय मंत्री हफीजुल अंसारी जी और हमारे यहाँ पे विधायक रामदास भैया जी, मंगल कालंदी जी, हमारे संजीव सरदार जी और हमारे यहाँ के प्रत्याशी समीर मोहंती जी, जिनके लिए ये सभा आयोजित है और हम यहाँ सब उपस्थित हैं। और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के हमारे सारे, हाँ साथ में हमारी मैम, हमारी शेरनी, दिल्ली की शेरनी सुनीता केजरीवाल मैम और इंडिया गठबंधन के जितने भी जन हमारे यहाँ बैठे हैं कार्यकर्तागण, जे हमारे सभी सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत जोहार है, नमस्कार है। और सामने बैठी हमारी जनता जनार्दन को कल्पना सोरेन की तरफ से नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम, जोहार, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम है। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, सो निहाल। और आज की ये जो चुनावी सभा है, यहाँ हमारे एक से एक क्रांतिकारी, सबसे बड़े हमारे सर अरविंद केजरीवाल जी को जिन्होंने रोकने का काम किया है, केंद्र सरकार ने की जो साजिश चली है, देखिए वो आज ताला तोड़ करके आप सबके बीच में है, अपनी जनता के बीच में है, अपने जन जन के बीच में है और कुछ देर के बाद वो आपको संबोधित भी करेंगे और उनकी बातों को आपको खास करके ध्यान से सुनना है। आज यहाँ पे हेमंत सोरेन जी भी अंदर में है, लेकिन मुझे ये लगता है कि केंद्र सरकार ने जो षड्यंत्र चलाया है चुनाव से ठीक पहले, कि हेमंत सोरेन जी को माननीय मुख्यमंत्री झारखंड पूर्व, उनको जेल में डालने का, ताकि ये चुनाव प्रचार ना कर सके, क्योंकि उन्होंने झारखंड में योजनाओं की जो गंगा बहाई है, वो गंगा अगर आप लिस्ट पढ़ेंगे, चाहे सर्वजन पेंशन की योजना हो, अबुआ आवास की योजना हो, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो, मरांग गोमके हो, हरा राशन कार्ड हो, आपका मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना हो, इस तरीके की अनगिनत योजनाएं उन्होंने यहाँ चलाई है। और उनका अगर आप रिपोर्ट कार्ड देख लीजिएगा तो पिछले सिर्फ 4 सालों का है। और ये जो 4 साल आपके जनादेश से 2019 में हेमंत जी के नेतृत्व में हमारी गठबंधन की यहाँ सरकार बनी, आते ही यहाँ पर में हिंदुस्तान में, झारखंड में, पूरे विश्व में कोरोना आ गया। ये वही हेमंत सोरेन है, ये वही संवेदनशील हेमंत सोरेन है जिन्होंने अपने मजदूर भाइयों को, जो वहां पे केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी थी कोरोना के समय, लॉकडाउन करके उनको वहीं छोड़वा दिया। किसी को चिंता नहीं थी कि गरीब कहाँ जाएगा, किसान कहाँ जाएगा, रोज की कमाई करने वाला कहाँ जाएगा। आपका बेटा, आपका भाई, आपका हेमंत बाबू ने, हेमंत सोरेन जी ने अपने मजदूर भाइयों को बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से लाने का काम किया, उनको अपने परिवार से मिलाने का काम किया। और आज हमारे यहाँ सिख भाई बहन बैठे हैं, आप लोगों ने देखा दिल्ली के बॉर्डर में किस तरीके से आंदोलन किया गया, हमारे किसान, हमारे अन्नदाता, उन्होंने कितने लोगों का जान चली गई,
अपने परिवार से हमेशा के लिए बिछड़ गए। ऐसा क्रांतिकारी आंदोलन चला जो इतने लंबे समय तक था, लेकिन केंद्र सरकार सुनने का नाम नहीं लेती थी, देखने का नाम नहीं लेती थी। मुझे तो आज फक्र है हमारे किसान भाइयों को, और साथ ही साथ हमारे सिख समाज में जितने भी जन व्यक्ति हैं वो सारे हेमंत सोरेन जैसे क्रांतिकारी हैं, और ये क्रांतिकारी हमें इस झारखंड में भी मजबूत बनाता है। और हमारे सिख भाई यहाँ पे हैं, और मैं उस दिन को भी याद करना चाहूंगी, और आज इस मंच से हमारे जितने शहीद किसान उस आंदोलन में अपने जीवन को खोए थे उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। ये भारत हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, और यही हिंदुस्तान है, और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। इस हिंदुस्तान में आपको बर्फ भी मिलेगा, आपको रेगिस्तान भी मिलेंगे, आपको समुद्र के तट भी मिलेंगे, तो आपको खिलखिलाते हुए हरे हरे खेत भी मिलेंगे। यहाँ पे हिंदुस्तान में इतनी ऋतुएं हैं, हमारी गर्मी सर्द बरसात बसंत सब ऋतुएं हैं यहाँ पर में, तो यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। आज ये चुनाव अगर हम लड़ रहे हैं तो हम बीजेपी बनाम त्रस्त जनता का चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव हमारी जनता लड़ रही है, और इस जनता के साथ हमारे इंडिया गठबंधन के हमारे जितने प्रत्याशी हैं हम सब साथ में खड़े हैं। और इन्होंने कहा है, आप लोगों को तो नारा भी पता है, जब हम आएंगे बीजेपी वाले कहते हैं तो हम संविधान बदल देंगे, क्योंकि बीजेपी वालों के अंदर में मन में गरीब गुरबा आदिवासी पिछड़ा दलित जरूरतमंद किसान मजदूर अल्पसंख्यक जैसे लोग तो है ही नहीं। ये देश जिसमें हमको खाना मिलता है किसान से, ये देश जिसमें हम लोग बड़े बड़े इमारत बनाते हैं मजदूरों से, ये देश जिसमें हमारी माताएं बहने दिन रात अपने आप घर में खट करके अपने परिवार जनों को मजबूत बनाने का काम करती हैं, ये देश असुरक्षित हो चुका है। और आज ये चुनाव में हमारी जनता को ये प्रण लेना होगा कि आपको अगर अपना संविधान बचाना है, अपना हक अधिकार हमारे वहां जो संशोधित है उनको जो लिखे हुए है उनको बचाना है, तो आपको इंडिया गठबंधन में आपको हमारे यहाँ के प्रत्याशी जमशेदपुर के समीर मोहंती जी को आपको वोट करना होगा, क्योंकि ये आपकी आवाज बनेंगे। और ये आपकी आवाज इसलिए बनेंगे क्योंकि पिछले से बीजेपी के जो सांसद हैं वो कहां रहते हैं उनका कुछ अता पता नहीं। हेमंत जी ने जब झारखंड में विधानसभा से पिछड़ों के लिए 27% का आरक्षण पास करवाया, सारे मंत्रीगण यहीं बैठे हैं, विधानसभा से पारित हो जाता है और राजभवन जा करके ये रुक जाता है। कहां रहते हैं ये बीजेपी के सांसद नेतागण, जब हमारे यहां पर में झारखंड में जब आंदोलन होता है, हम सरना धर्म कोड की बात करते हैं, हम खतियान की स्थानीय नीति की बात करते हैं, तो ये लोग चादर तान के सो जाते हैं। झारखंड के मुद्दे को कोई नहीं उठाता, लेकिन झारखंड के मुद्दे अगर उठाने हैं, हमारे जमशेदपुर के मुद्दे उठाने हैं, तो हमारे यहाँ के अभी के विधायक समीर मोहंती जी को आपको आशीर्वाद देना होगा। तो ये मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरी जमशेदपुर की जनता अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार है? आप वहीं से अपने दोनों हाथ उठा करके अपना आशीर्वाद दे दीजिए, जितने जन दूर भी हैं आप आशीर्वाद दे दीजिए कि हमारे समीर मोहंती जी को 25 तारीख को आपको वोट करना है, और हमारा चुनाव चिन्ह है तीर धनुष। तो आपसे मैं एक सब सवाल पूछना चाहूंगी, आप जवाब जरूर दीजिएगा और जोश में दीजिएगा। यहाँ पे जमशेदपुर में मतदान की कौन सी है तारीख? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? और कौन सा है चुनाव चिन्ह? दिखा दीजिए बना के तीर धनुष। कौन सा चुनाव चिन्ह? कौन सा चुनाव चिन्ह? और क्रम
और आप लोग ने एक नारा दिया है, हेमंत सोरेन जी जेल के अंदर में गए हैं कि जेल का ताला टूटेगा। तो अगर जेल का ताला आपको तोड़ना है तो उसकी चाबी है आप लोग, हमारी जनता है चाबी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी ये हेमंत जी को बाहर आने देना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर है अगर हेमंत सोरेन बाहर आ गया, जिसका डर उन्हें बहुत पहले हो चुका था, अब इंडिया गठबंधन दिल्ली आ रहा है और हम दिल्ली आ रहे हैं उनका तख्त हिलाने, जिन्होंने ना किसानों को पूछा, ना मजदूरों को पूछा, ना आदिवासियों को पूछा, ना पिछड़ों को पूछा, ना गरीबों को पूछा, ना अल्पसंख्यक को पूछा, हमारी झारखंड के साथ हिंदुस्तान की आवाम को नहीं पूछा। तो ये प्रण लेना होगा आप सभी को। क्या आप प्रण लेने के लिए तैयार है? तैयार है, तैयार है। तो आपका वो जो ताला है, आप वोट है वो चाबी, और ये ज्यादा से ज्यादा आप वोट दीजिएगा ताकि इंडिया गठबंधन आएगा और हेमंत सोरेन जल्द से जल्द छूटेगा। ये प्रण लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे तो हम सब साथ में बोलेंगे, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, 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 टूटेगा, जय झारखंड, झारखंड, जय झारखंड, झारखंड, जय झारखंड, झारखंड। दिशम गुरु शिवू सोरेन, शिवू सोरेन, हेमंत सोरेन, झारखंड झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। दिल्ली हम आ रहे हैं, दिल्ली हम आ रहे हैं, दिल्ली हम आ रहे हैं। आप सभी को इस गर्मी में, यहाँ पे हमारे मीडिया कर्मी आए हैं, सुरक्षा कर्मी आए हैं, हमारी जनता जनार्दन आई है, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार है, प्रणाम है, सत श्री अकाल है, खुदा हाफिज है। 25 तारीख याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आज ये जो उत्साह आपने दिखाया है, 25 तारीख को आपको भी निकलना है। और हमारे इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी समीर मोहंती जी को 3 नंबर पे तीर धनुष पे बटन दबा करके अपने आप को मजबूत करना है। बहुत बहुत जोहार है, नमस्कार है, प्रणाम है।